अयोध्या कांड रामचित मानस का द्वितीय सोपान है, पर अदिति है। और युग तुलसी महाराज रामकिंकर जी कहते हैं कि अयोध्या सोपान की प्रत्येक पंक्तियों में महाकवि तुलसी की आत्मा बोलती है। अयोध्या कांड के प्रत्येक पंक्तियों में महाकवि तुलसी की आत्मा सद्गुरुदेव भगवान का कथन है। अब इसके पीछे भावना क्या है, इस कांड की यदि एक दो विशेषताओं को देखना चाहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस सोपान की जो कथा है वो प्रत्येक 8 चौपाइयों के बाद एक दोहा, इस नियम का पालन किया गया, प्रत्येक 8 चौपाइयों के पश्चात एक दोहा है। अन्य सोपानों में इस नियम का पालन नहीं हो पाया है, पर इसी सोपान में इस नियम का पालन हुआ है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात इस सोपान में दो फलश्रुतियां हैं। एक फलश्रुति सबसे शुरू में है और एक फलश्रुति सबसे आखिरी में। पहली फलश्रुति क्या है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचार। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं भगवान राघवेंद्र के यश गाथा का वर्णन कर रहा हूं जो चार चार पुरुषार्थों को, चार चार फलों को देने वाला। ये पहली फलश्रुति, शुरू की फलश्रुति है, सोपान की पहली फलश्रुति। और अंतिम जो फलश्रुति है वो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उसमें कि भरत चरित करिने तुलसी जे सादर सुनही, तिनहि राम पद प्रेम अवश्य होए भव रस विरति। यदि हम भगवान के चरणों में प्रेम चाहते हैं और संसार से विरक्ति चाहते हैं तो भरत जी के चरित्र को नियम पूर्वक हमें पढ़ना चाहिए। तात्पर्य है कि इस सोपान में दो दो फलश्रुतियां हैं। अब इस सोपान के प्रति गोस्वामी जी के आकर्षण का कारण क्या है, एक दो कारण तो जान ही सकते हैं। पहला कारण ये है कि इस सोपान के उत्तरार्ध में गोस्वामी जी के आदर्श श्री भरत जी का चरित्र वर्णित है। श्री भरत जी के प्रति गोस्वामी जी का विशेष आकर्षण है। ये तो आकर्षण का ये पहला कारण हो गया। और दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण ये है कि भगवान राम की जो दिव्य लीला है वो चित्रकूट में हुई, इसी सोपान में। 12 वर्षों तक भगवान चित्रकूट में निवास किए, चित्रकूट की दिव्य लीला। और फिर चित्रकूट धाम जो है गोस्वामी जी का पुनर्जन्म स्थल है। एक जन्म तो उनका राजापुर गांव में हुआ, बांदा जिले में, और दूसरा जन्म चित्रकूट में हुआ। भगवत दर्शन तो यही हुआ है ना, हनुमान जी महाराज ने यही गोस्वामी जी को भगवान श्री राम का दर्शन कराया था। तो इस तरह
यह सोपान बहुत ही महत्वपूर्ण सोपान है। इसकी जो कथा है आरंभ होती है, राजा दशरथ राज दरबार में बैठे हुए हैं और अपने स्वभाववश उन्होंने दर्पण देखा, राय स्वभाव मुकुर कर लीना, उन्होंने दर्पण ले लिया और देखने लगे। अब बदन बिलो मुकुट सम किना, मुख अपने मुख मंडल को उन्होंने देखा तो मुकुट टेढ़ा हो गया था, उन्होंने अपने सिर पर सम कर लिया। और जब जैसे ही समत्व की स्थापना हुई, मुकुट सम हुआ बीच में हुआ, वैसे ही उनकी नजर पड़ती है कान के समीप श्वेत केसों पर। श्वेत केसों पर जब उनकी नजर पड़ी तो वहां से कुछ संदेश उनको प्राप्त होता है। राय सुभाय मुकुट कर लीना, बदन मिलो मुकुट समकीना, श्रवण समीप भय सित केशा, मन जरटपन असुतेसा, निप जुगराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाभ किन देहु। उन श्वेत केशों ने जो उनके कान के समीप थे एक संदेश दिया। कभी कभी कोई गुप्त संदेश देनी होती है ना, कोई गुप्त संदेश देना होता है तो हमारा जो प्रिय होता है वो हमारे कान में आके फुसफुस आता है, बताता है, गुप्त रूप से बता देता है। बस ऐसे ही इन श्वेत केसों ने राजा जी से कहा कि राजन, इस धराधाम पर, इस संसार में हम दोनों एक साथ आए हैं और हमने अपनी कालिमा धोली है, हमने अपनी कालिमा धोली है, हम श्वेत धवल उज्ज्वल हो चुके हैं, आप भी श्वेत उज्ज्वल धवल हो जाइए, निप जुगराज राम को देखो, उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाइए, समर्पित कीजिए। दर्पण देखने का तात्पर्य क्या, दर्पण देखने का तात्पर्य है आत्मावलोकन, आत्मविश्लेषण, आत्मनिरीक्षण, अपने आप को देखना। अब दर्पण कब देखे उन्होंने, जब खूब उनकी प्रशंसा हो रही थी, त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरिभाग दशरथ समनाही, खूब भूरिभूरि प्रशंसा उनकी हो रही थी, और तब उन्होंने राज सिंहासन पर बैठे बैठे दर्पण देखा, आत्मनिरीक्षण किया और दूसरा काम किया, समत्व में स्थापित किया मुकुट को। मुकुट जो सत्ता का प्रतीक है, सत्ता की शक्ति रहती है, एक संदेश राजा को मिल गया कि सत्ता की शक्ति रखती है, और खिसका दो इसको, समर्पित कर दो राम को। तो तीसरा संदेश उनको दर्पण देखने से प्राप्त हुआ, समर्पण का, समर्पण का, कि निप युवराज राम देहु, हे राजन राम को युवराज पद समर्पित करो, इससे क्या होगा, जीवन जन्म लाभ की लेहु, ये दो दो लाभ आपको प्राप्त होंगे, आपको जीवन का भी लाभ प्राप्त हो जाएगा, आपने समस्त सुखों को भोगा है, हाँ, आपका जीवन सार्थक होने जा रहा है, और आपका जो जन्म हुआ है ईश्वर के समर्पण, ईश्वर के चरणों में समर्पित होने के लिए हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म ईश्वर के चरणों में समर्पण बताता है, सिखाता है, तो आप समर्पित हो जाइए, राज्य का समर्पण राम को कर दीजिए। ये सुंदर सी शिक्षा उन्होंने ग्रहण की, संदेश ग्रहण किया और गुरु जी के पास गए। पहले उन्होंने मंत्रियों से चर्चा की, मंत्रियों ने राजा जी के प्रस्ताव का अनुमोदन किया, गुरु जी को सारी बातें उन्होंने बताई। गुरु जी ने कहा कि वेग विलम्ब न करे निप साजी सकल समाज, विलम्ब करने की आवश्यकता नहीं है, शीघ्र कीजिए। और सुदिन सुमंगल था वही, जब राम युवराज, वही सुंदर दिन होगा और वही मंगलमय क्षण होंगे जब राम जी युवराज बनेंगे। गुरु जी ने स्वीकृति दे दी और तैयारियां आरंभ हो गई। नगर को सजाया जाने लगा, बधाई के बाजे आजीब बजने शुरू हो गए। बाजों को, बाजदारों को थोड़ा संयम करना था,
कल बजा रहे थे, जब कल कल राम जी को राज्य समर्पित करना है तो कल ही जब भगवान बैठते सिंहासन पर तो बाजा बजा लेते, पर नहीं, उन्होंने कहा नहीं, कल तो बाजा बजेगा ही, आज आज बाजा का आनंद लेते हैं। और बाजा बजना आरंभ हो गया। अब इधर देवताओं देवता भयाक्रांत हो गए, भयाक्रांत हो गए, और इतने भयाक्रांत हुए कि उनको रावण का आतंक अपनी आंखों सामने दिखाई दे रहा, भयभीत हो गए। अरे भाई, राम जी राज सिंहासन पर आरूढ़ हो जाएंगे तो फिर रावण वध कैसे होगा? और देवताओं ने फिर अपना आरंभ कर दिया। देवता कुचक्र आरंभ कर देते हैं, षड्यंत्र आरंभ कर देते हैं। उन्होंने क्या किया, इधर सब सब लोग ये सोच रहे हैं, पूरे पूरे अवधवासी, कि सकल कहीं कब कोहीं काली। सब लोग ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब कल होगा, अरे समय जल्दी जल्दी बीत जाए, वो सुंदर सा क्षण देखने को मिले, राम जी का राज्याभिषेक देखेंगे, ये सब सबके मन में ये आशाएं बन रही। और इधर विघ्न मनावन देव गोसाई, गोसाई जी महाराज कहते हैं कि ये देव जो है कुचक्र रच रहे, कुचाली की संज्ञा देते हैं। कुचाली का तात्पर्य क्या हुआ, ऐसा कार्य जिसमें किसी का मंगल होने वाला हो और उसमें उसको हम अमंगल में परिवर्तित करने जाए, तो वही कुचाल है, और यही देवताओं ने किया। तिन्ह सी सुहाए न अवध बधाव, उनको बधाई के बाजे अच्छे नहीं लगे और वे आरंभ आरंभ हो जाते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तिन्ह सुहाए न अवध बधावा, चोर ही चंदनी रात न पाओ। यही प्रसंग, इसी प्रसंग पर आपके समक्ष कुछ बातें कहनी है। तिन्ह सुहाए न अवध बधावा, चोर ही चंदनी रात न पावा, सारद बोल विनय सुनकर ही, बार ही बार पाए लय पर ही, विपति हमारे बिनो की बड़ी, मात परे सोए आज, राम जाहि बनराज तजी, खो ही सकल सुर काज। देवता तुरंत माँ भगवती सरस्वती को आवाहित करने लगे कि माँ हम पर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है, और शीघ्र ही हमारे हमारी विपत्ति का निदान आप करिए। अब यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज इन देवताओं को चोर कहते हैं, चोर ही चंदनी रात न पाओ। चोरों को जैसे चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, वैसे ही उन देवताओं को राज्याभिषेक अच्छा नहीं लग रहा। तो चोर कौन हुए, देवता, और चांदनी रात राज्याभिषेक की जो तैयारी है वो चांदनी रात है। और राम जी कौन है, तो राम जी हैं चंद्रमा। सनमाने प्रिय वचन कही, रघुकुल कैरव चंद, रघुकुल के कमल को खिलाने वाले, कुमुद को खिलाने, कैरव कुमुद को खिलाने वाले भगवान राम जो है चंद्रमा के समान है। तो राम जी हो गए चंद्रमा। राज्याभिषेक के लिए जो उत्सव मनाने की जो तैयारी चल रही थी, बाजे जो बजाए जा रहे थे, वो हो गई चांदनी रात, और देवता हो गए चोर। ये चोर भी निशाचर की श्रेणी में गिने गए हैं। गोस्वामी जी महाराज इनको चोरों को निशाचर की श्रेणी में गिनते हैं, क्योंकि ये इनका जो कार्य है वो रात में ही चलता है। पाढ़े भोखल चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सो करवा मई सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, तिन समझो निश्चर संप्राणी। ये भी चोरों की श्रेणी में, निश्चरों की श्रेणी में आ गए। अब इन्होंने भगवती सरस्वती का आह्वान किया, भगवती सरस्वती आती है। वैसे
ये इतने भयभीत क्यों हैं? यदि इस पर थोड़ा सा विचार किया जाए तो हम देखते हैं इनके भय का कारण रावण का अत्याचार है। रावण कितना अत्याचारी था, देवलोक तो उससे बहुत ज्यादा संतप्त था, संतस्त था। क्या करता था वो? यहां पर गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि सुरपुर नित ही परावन हुई। जब भी रावण देवलोक को जाता था वहां भगदड़ मच जाती थी, देवतागण भाग जाते थे, भाग करके अन्यत्र कहीं जाके छुप जाते थे। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि रावण आवत सुने सकोहा, देवन तजे मेरे गिर खोहा। देवता जाकर के सुमेर पर्वत की गुफा में प्रवेश कर जाते थे, इतना डर था रावण का। और दीपालन के लोक सुहाए, जब दीपालों के लोक में रावण का प्रवेश होता था तो सुनिए सकल पूरा लोकपाल निवास स्थल पूरा खाली हो जाता था। और उसने कहा भी अंगद से, अंगद को बताया कि दिक्पालन में नीर भरावा, मैं तो दिक्पालन को अपने भवन में जल भरने का कार्य सौंप दिया, अब कंप ही लोक अब जाकी त्रासा। रावण के अत्याचार से संपूर्ण लोक प्रकंपित था। इस तरह सभय दिशि नित नावहि माता, सभी लोकपाल दिक्पाल जितने देवगण सब के सब भयभीत थे। कर जो वहां जब हनुमान जी महाराज गए रावण के दरबार में तो उन्होंने क्या देखा? कर जोरे सुर दिशि पीनीता, भिगुट बिलोकत सकल सपीता। उन्होंने देखा, हनुमान जी महाराज ने देखा कि वहां रावण के दरबार में देवता लोग कर जोड़े हुए खड़े हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और बहुत ही भयभीत होकर के रावण की भक्ति की ओर देख रहे हैं। इतना संत्रास, इतना भय, इस भय से अत्यधिक संतप्त देवता थे। और इसीलिए भगवती सरस्वती से भी विनय करते हैं कि विपत्ति हमारी भी लोग माँ, हम बहुत विपत्ति में हैं, बहुत दुख में हैं, कष्ट में हैं, तकलीफ में हैं, माँ हमारी दुख को दूर कर दो, विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, माँ तू करे सोई आज राम जाहि वन। ऐसी कोई युक्ति करो माँ कि राम जी वन को चल दें, राज तज राज्य का परित्याग करके विपन चलते हैं और हो ही सकल सुर का, जिससे हम देवताओं का कार्य संपन्न होगा, हमारे दुखों का अंत होगा। कालांतर में भगवान राम जो है रावण का वध करेंगे। और फिर इधर गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि सुन सुर विनय ठाढ़ पछताती। आई तो सरस्वती जी आई, उनका स्वागत भी हुआ, स्वागत सारद बोली विनय सुर पर रही, बार बार ही बार पाए ले पर ही। जब आई तो उनका स्वागत उन्होंने किया, बार बार दंडवत प्रणाम किया और उन्होंने उनसे अपना विनय विनय उन्होंने सुनाया। अब भगवती सरस्वती आती है अयोध्या में और अयोध्या में तीन लोगों को विशेष रूप से प्रभावित करती है। सबसे पहले प्रभावित हुई मंथरा, बाद में कही थी और बाद में राजदस्व। तो मंथरा में भी लोह को उत्पन्न करती थी अपनी माया से, कैकेयी जी में क्रोध को वे सृजन कर क्रोध का सृजन कर देती है और राजा दशरथ जी में भी काम का सृजन कर देती है। और इन्हीं तीनों शत्रुओं के चपेट में अवध आ जाता है और राम जी वन को चल देते हैं। तो क्या भगवती सरस्वती इतनी विवश थी कि उनको देवताओं की ये बात माननी पड़ी? इसका उत्तर वहां पर मिलता है।
श्री भरत जी भगवान से भेंट करने चित्रकूट जाते हैं, और जब देवताओं को मालूम होता है तो देवता फिर कुचक 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 करने का प्रयास, षड्यंत्र करने का प्रयास करते हैं कि राम ही भरत ही भेंट ना हो, भरत जी राम से भेंट मुलाकात ना करें। तब वहां पर हुआ क्या, वहां पर समझाते हैं सुरन सुमरी शारदा सराही देव देव शरणागत पाई। उस समय भी देवताओं ने उनका देवी माँ सरस्वती का शरण कर किया, और फिर ही भरत मति कर निज माया, उनसे निवेदन किया कि माँ भरत की बुद्धि को आप परिवर्तित कर दीजिए। विबुध विनय सुन देव शयानी बोली सुर स्वारस जन जानी विधि हरिहर माया बड़ भारी सौ न भरत मति सकही मारी सौ मति मोहि कहत तुम भोरी और चंडनी करे कि चंड कर चोरी भरत हृदय से राम निवासु तह कि तिमिर जह तरण प्रकाशु अस कही सारद गई विधि लोका। भगवती सरस्वती ने कहा कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि सब पर तो मेरी माया प्रभावित हो सकती है पर भरत पर मेरी माया नहीं चलेगी। अब मेरी ही क्या विधि हरि हर माया बड़ी भारी सौ न भरत मति सकली उपाय। विधाता की माया, श्री विष्णु जी की माया, भगवान शिव की माया, इन तीनों महादेवों की जो माया है, सृजनहार पालनहार और संहार करता की जो माया है, ये तीनों की माया जो है भरत पर लागू नहीं हो, इनकी जो माया है भरत पर आवेष्टित नहीं कर सकती। अस कही शारद गई विधिलोका, ब्रह्मलोक को बिलौड़ जाती है। माने उस समय देवताओं की बात सरस्वती ने नहीं मानी, पर उस समय अयोध्या में देवताओं की बात कैसे मान ली? तो इसका निराकरण करते हुए देवगुरु बृहस्पति जी कहते हैं कि तब किछु किन्ह राम रुख जाए। सरस्वती ने उस समय अयोध्या में प्रथम बार जब देवताओं ने निवेदन किया सरस्वती जी से, तो प्रथम बार तब किछु किन्ह राम रुख जाने, राम जी का रुख जान करके राम जी ऐसा चाहते हैं, ये बात सरस्वती जी को मालूम हो गया। अब कैसे मालूम हो गया होगा भाई? तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि जो सरस्वती जी जो है ये कठपुतली की तरह है, राम जी उसके सूत्रधार है। शारद दारु नारिशम स्वामी राम सूत्र थर अंतर्यामी, ये कठपुतली की तरह है। भगवान जैसे नचाते हैं, भगवान तो नचाने के लिए दो तरह से नचाते हैं, नट मरगटी को सबई नचावत, राम खगेश बेद असगावत, बंदर की तरह भी नचाते हैं। बंदर के नाच में और कठपुतली के नाच में अंतर है। बंदर का नाच कैसे होता है? बंदर को जब मदारी नचाता है तो तीन चीजें दिखाई देती है स्पष्ट। बंदर नाचने वाला दिखता है, मदारी भी दिखता है और रस्सी भी दिखती है जिसके सहारे बंदर बंधा हुआ है। पर कठपुतली के नाच में कठपुतली दिखती है, न सूत्र दिखता है न सूत्रधार दिखता है, पर दोनों नाच में अंतर इतना है कि बंदर वाले नाच में बंदर नाच नाच से थक जाएगा, पर कठपुतली के नाच में कठपुतली नहीं थकेगी, सूत्रधार बड़े थक जाएंगे। तो सरस्वती जी ने कहा कि मैं भगवान के संकेत को समझ रही हूँ, राम जी मुझको जो संकेत दे रहे हैं, सूत्रधार जो संकेत कर रहे हैं उसको मैं समझ रही हूँ, और सूत्रधार की आज्ञा से मैं अवधवासियों को ये कष्ट देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि राम जी की इच्छा है, राम जी ऐसा चाह रहे हैं, और इसलिए
भगवती सरस्वती जो है तैयार हो जाती है, उन्होंने अपना काम किया। अब हम लोग ये देखने की चेष्टा करेंगे कि ये जो देवता गण है जिनको चोर कहा जा रहा है, इसका क्या अर्थ है, ये आध्यात्मिक अर्थ यदि खोजने की चेष्टा करें तो गोस्वामी जी महाराज बताते हैं रामराज्य का वर्णन करते हुए। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि वहां चोर नहीं थे, तो कौन कौन चोर नहीं थे महाराज? तो उन्होंने बताया कि मत्सर मान मोह मद चोरा, ये चोर है मत्सर मान मोह मद, इन चार चोर हैं, चार प्रकार के जो चोर हैं ये वहां नहीं थे। तीन कर हुनर न कौने हो रहा, राम राज्य में इनका हुनर चलता ही नहीं था, ये थे ही नहीं, तो अब हुनर चलने वाली बात क्या। अब यहाँ पर इस उदाहरण से स्पष्ट हुआ कि जो हमारे जीवन में जो दुर्गुण दुराचार है वे चोर है, पर यहाँ यहाँ जो ये जो देवता है ये तो सदगुण के प्रतीक है भाई, ये दुर्गुण प्रतीक तो नहीं है, ये तो पुण्य है, पुण्यात्मा है, और पुण्यों के बल पर ही तो ये देव देव योनि में गए हैं। हाँ, तो इसकी भी चर्चा गोस्वामी जी महाराज करते हैं, बहुत अच्छी चर्चा गोस्वामी जी महाराज ने की है। दीपक जलता है, ज्ञान दीपक, ज्ञान दीपक प्रसंग में इन देवताओं की चर्चा है। पहले हम ये समझ रहे कि हमारे जीवन में जो दुर्गुण है वो चोर है, और जो हमारे जीवन की जो सद्गुण है वही प्रहरी है। सद्गुणों को हम प्रहरी के रूप में पहरेदार कह सकते हैं। अच्छा, यही हमारे मैंने आपके साधनात्मक जो जीवन है, साधनात्मक जो जीवन है उसका ये सत्य है। दुर्गुण चोर हैं और सद्गुण जो है प्रहरी है। कभी कभी चोर इतने चतुर होते हैं कि प्रहरी को अपने पक्ष में मिला लेते हैं। यदि पक्ष में न मिलाए तो पहरेदार चोरी करते समय पकड़ भी सकता है, या यदि पहरेदार को हम मिला लें तो क्या होगा, वो जो परिश्रम सेंध सेंध लगाने का जो परिश्रम करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पहरेदार हमको उसी द्वार से जिसकी वो पहरेदारी कर रहा है उसी द्वार से गृह स्वामी के गृह में प्रवेश करा देगा हमें चोरी करने के लिए। ये तो बड़े फायदे की बात है, इसलिए चोर जो है पहरेदार को मिला देता है। अब ये पहरेदार हमारे आपके शरीर में कहां पर है, ज्ञान दीपक प्रसंग हम जानते हैं। दीपक जल 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 गया, ज्ञान दीपक जल गया, सात्विक श्रद्धा धैर्य सुहाई से लेकर के विधि ले से दीप तक की जो यात्रा चली है, कठिन यात्रा कठिन साधना चली है, और दीप जल गया। सो अहमस्मि इति वित्तीय अखंडा, दीपक जल गया है, अखंड दीप चल चल रहा है। और इसी बीच होता क्या है कि माया अपना कुचक्र करती है, माया अपना कुचक्र चलाती है। वो क्या करती है, बुद्धि लोग दिखावी जाए, रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, पहले तो वो रिद्धि सिद्धियों भेजती है माया, और जब बुद्धि उसे प्रभावित नहीं होती तब क्या करती माया, स्वयं कल बल छल करी जाए समीपा, अंचल बात बुझावी थी। कले कला का उपयोग करती, बल का उपयोग करती, छल का उपयोग करती है, और अपने आंचल के द्वारा हवा देकर के दीपक को बुझाती है। ये घटना अवध में घटी है, हम लोग देखेंगे। पहले हम ये देख लें कि ये देवता कहाँ पर है। ये पहला तो पहला व्यवधान दीपक जलने के बाद जब ग्रंथि को जीव जो है छोड़ रहा है, ग्रंथि को जीव जब छोड़ रहा है तब ये दो उत्पात होते हैं, पहले माया का ये कुचक्र चलता है और दूसरा देवताओं का चलता है। ये देवता कहाँ पर हैं,
इंद्रिन द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे कर थाना, और आवत देखें विषय बयारी, ते हट देह कपाट उभारी। जब सो प्रबंजन उर गृह आई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई, ग्रंथि न छूट मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल हो विषय बतासा। इंद्रिन सुरन देव इंद्रिन सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई, विषय समीर बुद्धि कित भोरी, ते विधि दीप की बार बहोरी। तब फिर जीव विविध विधि पावे संसित क्लेश, हरि माया अति दुस्तर तरण जाय द्विगेश। तो ये देवता क्या करते हैं, इंद्रिन द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे कर थाना, आवत देखहिं विषय बयारी, ते हटते ही कपाट उभारी। विषय रूपी बयार को आते देखिए, चोर आ रहे हैं, विषय रूपी चोर मत्सर मान मोह मद चोरा प्रवेश कर रहे हैं, और ये दीपक ये तो देवता है, ये दरवाजा खोल देते हैं, खिड़कियां खोल देते हैं। इंद्रिन द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे कर थाना, आवत देखें विषय बयारी, ते हटे ते कपाट उभारी। और जैसे ही विषय की बयारी कक्ष के अंदर आती, जहां दीप जल रहा है, और फिर उस विषय बयारी के द्वारा दीपक बुझा दिया जाता है। बस यही कार्य ये देवता करते हैं भगवती सरस्वती के माध्यम से। अब माया का एक दूसरा स्वरूप माँ कैकेयी को माना गया है। यहाँ पर ज्ञान दीपक पर राजा दशरथ जी के अंतःकरण में राम राज रूपी ज्ञान दीपक जल चुका था। देवताओं का कुचक्र चला इंद्रिन द्वार झरोखा नाना के आधार पर, और फिर अब माया का कुचक्र चलने वाला है। माया कौन? माया कैकेयी माँ, विद्या माया, अविद्या माया। क्या किसी ने इसका अनुभव किया? राजा दशरथ स्वयं इसका अनुभव करते हैं। कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जीवी, जति अविद्या नाश। ये अविद्या माया है माता कैकेयी। ये क्या करती है? ये तीन कार्य करती है, कल बल छल करी जाई समीपा, अंचल बात बुझावे दीपा। माता कैकेयी भी तीन कार्य कला का उपयोग करती है, भूषण सजती बिलो की मृगु, मन ही किरातनी फंद। स्वामी जी महाराज लिखते हैं, जब दुई की चार मांग मक लेहू, ऐसा जब दशरथ जी ने कहा तो वो श्रृंगार करने लग जाती। पहले तो पटमोट पुराना में थी, पुराने कपड़े को पहनी हुई थी, अब वो श्रृंगार करने लग जाती। और ऐसा लगता है वहां पर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये जो किरातिनी कैकेयी है वो दशरथ रूपी मृग को फांसने का प्रयास करती है। भूषण सजित बिलोक मृग मनह किरातिनी फंद, ये कला का उपयोग। अब बल का उपयोग कब करती है? कल बल छल, तो बल का उपयोग करती है, वो कहती है कि होत प्रात मुनि वेश धरी, दोन राम बन जाए मोर मरण, रावुर अजस निप समझी मन माई। कैकेयी कहती है कि यदि आप सवेरा होते होते राम को वन जाने के लिए नहीं कहेंगे, राम वन नहीं जाएंगे, तो मैं मर जाऊंगी। ये दबाव डालती, प्रेश बल बल का प्रयोग करती। और फिर छल का उपयोग कहां पर करती है? छल का उपयोग करते हुए कहती है, महाराज धर्म के चार चरण होते हैं, सत्य तप दया और दान। आप अपने वचनों का पालन कीजिए, सत्य धर्म का पालन हो जाएगा। राम वन में जाकर तपस्या करेंगे, तप धर्म का पालन हो जाएगा। भरत को राज्य का दान करिए, धर्म का तीसरा चरण दान पूरा हो जाएगा। और ऐसा सब कुछ करके मुझ पर दया कीजिए, धर्म का चौथा चरण भी पूरा हो जाएगा। धर्म के साथ छल करती है। सत्य और तप अपने लिए होना चाहिए, दया और दान दूसरों के लिए होना चाहिए, पर माँ कैकेयी कहती है कि नहीं नहीं, दया और दान हमारे लिए हो, मेरे पुत्र के लिए। और सत्य और तप का सत्य का पालन राजा दशरथ करे, और तपस्या जाके राम
वन में करे। तो ये कल बल छल कर जाए समीपा अंचल बात बुझावे दीपा। इस तरह षड्यंत्र देवताओं के द्वारा और अविद्या माया के द्वारा होता है। समय अपनी पूर्णता की ओर है। समीक्षात्मक उद्बोधन के लिए मैं बेटी संगीता से निवेदन कर रहा हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।